ADHD। सोशल मीडिया पे आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, पर ये क्या है? मैं डॉक्टर सयंतनी मुखर्जी, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे, मैं आपको आज समझने में मदद करूंगी कि ADHD क्या है, कैसी बीमारी है, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं और कैसे हम इनका इलाज कर सकते हैं। ADHD एक अब्रीविएशन है, मतलब इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ध्यान नहीं लगना, सो अटेंशन डेफिसिट, दूसरा कि चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चा जब मम्मी के पेट में फॉर्म हो रहा है उसकी ब्रेन की फॉर्मेशन और उसकी केमिकल लेवल्स में थोड़ा सा दिक्कत है, इसके वजह से आपको ADHD हो सकती है। इसके अलावा बाकी कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ स्पेसिफिक दवाई लिया तो उसके वजह से ही हो गया, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अम्ब्रेला में रखते हैं। ADHD का निदान के लिए डॉक्टर्स दो डायग्नोस्टिक के मैनुअल का सहायता लेते हैं। हम कोई भी थोड़ा सा चंचल है या कोई थोड़ा सा भी हाइपर एक्टिव है तो हम नहीं बोलते कि इनको ADHD है। ये तो दो डायग्नोस्टिक मैनुअल है जो इंडिया में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जिसका मैनुअल 10 अभी वर्जन चल रही है, मैनुअल 11 आ रही है। दूसरी है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसका भी वर्जन 5 चल रही है। दोनों वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, पर इंडिया में आपको सर्टिफिकेशन करना है तो आपके डॉक्टर को ICD से डायग्नोसिस देनी पड़ती है। ADHD के लक्षण दो तरीके में हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक है कि अटेंशन डेफिसिट के कंपोनेंट, दूसरी है हाइपर एक्टिविटी, और उसके साथ आती है इम्पल्सिविटी भी। तो मैं वापस आपको बताती हूँ अटेंशन डेफिसिट में क्या होता है। आप कभी भी देखेंगे ADHD वाले बच्चों में स्पेसिफिकली कि वो हमेशा चीज़ें भूल जाते हैं, स्कूल गए पेंसिल केस भूल गए, क्लास में गए उधर अपने बैग भूल गए, ऑल्सो वो वर्क जल्दी कंप्लीट नहीं करते हैं, हमेशा क्लास वर्क में होमवर्क में इनकम्प्लीट वर्क आती है, सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं क्योंकि वो केयरफुली ध्यान नहीं दे सकते हैं। उनको आप नाम से भी बुलाओ तो वो दो दिन बार के पहले बुलाने के पहले वो नहीं देखते आपकी तरफ, ये सब आपको इनअटेंशन की सिम्टम कहला जाता है। दूसरा है जो है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, मतलब पहली बात है तो बहुत चंचल है। जो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे टिपिकली हम मेडिकल लैंग्वेज में भी टेक्स्ट बुक में भी लिखा जाता है कि जैसे कि मोटर पे वो चल रहे हैं, जैसे गाड़ी जैसे रेस कार जैसे वो रुकते नहीं है। दूसरी बात है कि वो एडल्ट भी रहेंगे तो वो फिजट करते हैं, मतलब कि हमेशा उनका हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, वो शांति से नहीं बैठ सकते। और भी क्या होता है कि वो इम्पल्सिव होते हैं, जैसे कि वो लोग बिना सोचे बिना समझे जो मन में आया वो करते हैं। उचित है क्या, बराबर करना है चाहिए क्या, ज़रूरत है क्या, ये नहीं सोचते हैं। तो वो कन्वर्सेशन में डिस्टर्ब करेंगे, क्लास में डिस्टर्ब करेंगे, दूसरों के बीच में जाके बातें करेंगे, ये है इम्पल्सिविटी। अभी ये दोनों कंपोनेंट से ADHD डायग्नोज होता है। ADHD होने का कारण एक ही है कि हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स के बीच में जो केमिकल्स रहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनमें से दो डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन में कमी पड़ती है, इसके लिए ADHD होती है। ADHD में बच्चों की तरफ हम पहले बात करते हैं, क्योंकि जनरली आजकल हम चाइल्डहुड डायग्नोसिस ही ज़्यादा करते हैं। ADHD वाले बच्चों में पहले होता है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत एकेडमिक्स ओरिएंटेड है, पहले तो कंप्लेन आती कि बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल वर्क कंप्लीट करता नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास पे, ध्यान और किधर रहता है।
दूसरा है कि फैमिली और सोशल सेटिंग, जैसे कि उनके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, वो सब बोलेंगे कि बहुत मस्ती करता है, बहुत भागता कूदता है, किसी का सुनता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों पे अननेसेसरी एक नेगेटिव लेबल पड़ जाती है कि ना ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ना ये बच्चे का सोशल बिहेवियर ठीक है, ये बच्चा तो बुरा है। ये स्टिग्मा बहुत बुरी तरीके से बच्चों को अफेक्ट करता है, फिर वो भी बिलीव करने लगते हैं कि मैं तो एक बुरा बच्चा हूँ। बच्चों में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एडल्ट्स में क्या होता है कि उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि प्रोफेशनल लाइफ में उनके जब भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, काम करना पड़ रहा है, टाइम लिमिट में करना है, काम ऑर्गेनाइज करके करना है, ये चीज़ों में उनको बहुत तकलीफ होती है। और पर्सनल लाइफ में भी इनअटेंशन या इम्पल्सिव डिसीजंस के कारण रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप मेंटेन करने को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इम्पल्सिविटी के वजह से कभी कभी उनको सब्सटेंस अब्यूज जैसे एडिक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। ADHD का इलाज हम क्लासिफाई करेंगे कि दवाई से और दवाई के छोड़ के क्या कर सकते हैं। तो कोर ADHD सिम्टम्स हम दवाई से ही ठीक कर सकते हैं। दवाई की भी दो कैटेगरी है, एक है स्टिम्युलेंट, जो ये दो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम मैंने बताया, उनका लेवल जाके बढ़ा देता है तो सारे सर्किट्स अच्छे से फंक्शन करते हैं, हमें दोनों कैटेगरीज में इम्प्रूवमेंट दिखता है। पर इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत रेगुलेटेड है, क्योंकि इसका अब्यूज़ पोटेंशियल बहुत हाई है। तो स्टिम्युलेंट हम बाद में देते हैं, पहले हम देते हैं नॉन स्टिम्युलेंट। नॉन स्टिम्युलेंट में क्या होगा कि सिर्फ ये केमिकल के लेवल कम ना हो जाए ब्रेन में, उतना वो रोक लेते हैं उसका डिग्रेडेशन यानी ब्रेक डाउन, पर एक्स्ट्रा फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं होता है। तो सिम्टम्स थोड़े थोड़े इम्प्रूव होते हैं, पर स्टिम्युलेंट जैसा स्ट्रॉन्ग और जल्दी वाला इफेक्ट नहीं दिखता है। सेकेंडरीली अभी बच्चों में क्या है कि उनका ब्रेन में अभी भी जो हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब कि उनका ब्रेन अभी भी हम थोड़ा सा कसरत से मॉडिफाई कर सकते हैं। उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है, उसमें अटेंशन बढ़ती है, सोशल बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आती है, इन जनरल कंप्लायंस टू समबडी गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। तो उनके लिए थोड़ा रेमेडियल एडुकेशन भी कभी कभी ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी ADHD बच्चों में साथ में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिस्लेक्सियास ये भी होते हैं। ये ही है हमारे ट्रीटमेंट के कॉर्नर स्टोन्स, और उसके साथ रेगुलरली ऐसे कोई एक्टिविटी जिससे बहुत सारा एनर्जी खर्च हो, और प्रोसेस्ड फूड, स्पेशली प्रोसेस्ड हाई कैलोरी हाई शुगर फूड कम खाना है, क्योंकि उससे बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, फिर जो हाइपर बिहेवियर है वो और बढ़ जाती है।